वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये वीडियो मैं खास तौर पर हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे बंगला साहब में किस तरह से लंगर का प्रबंध होता है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। गुरुद्वारा बंगला साहब की ये वो किचन है जहाँ से हज़ारों लोगों के लिए अभी खाना बनकर जा रहा है। ये आप सारे इंतज़ाम जो हैं ये गुरुद्वारे के अंदर गुरुद्वारे के लांगरी हमारे कर रहे हैं। और आप देखें, आज से हमारा 50,000 लोगों को और खाना, जो हम अब तक 1,00,000 लोगों को दे रहे थे, उसके लिए उसके अलावा 50,000 लोगों को और खाना आज से फीड माई सिटी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन है जो कुछ लोगों ने मिलकर बनाई है, बेंगलोर में, बॉम्बे में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनके लिए आज 50,000, आप ये देखें तो 50,000 लोगों का और ये पैक हो रहा है, 50,000 लोगों का और खाना अलग से नोएडा के लिए जा रहा है। ये सारा लंगर जो है ये 50,000 लोगों के लिए अलग से नोएडा जा रहा है। ये हमारे सारे लांगरी जो सेवा कर रहे हैं, 1,00,000 लोगों को अब तक हम लंगर दे रहे थे, गुरुद्वारा बंगला साहब, गुरुद्वारा आसीसगंज साहब, गुरुद्वारा नानक प्यो साहब और हमारा गुरु तेग बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। लेकिन आज से ये 50,000 लोगों का बंगला साहब से, और नॉर्थ दिल्ली के SDM ने मांग करी है कि 10,000 लोगों का सुबह, 10,000 का शाम और एक्स्ट्रा उसको चाहिए, उसका भी इंतज़ाम। और अब तकरीबन 2,50,000 लोगों का लंगर यहाँ से बनकर जाना शुरू होगा। मैं इन सब सेवादारों का, लांगरियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिस SDM ने हम पे मुकदमा दर्ज कराया, जिस DC ने हमसे मुकदमा दर्ज कराया, बहुत बड़ा लंगर उसी के वहीं जाता है और वहीं के SDM मुझे फ़ोन करके कहते हैं जी 10,000 लोगों को और लंगर दो, हमने कहा वो भी देंगे। ये देखो इस तरह से सबके लिए तैयार हो रहा है, ये फ्रेश फूड सबका तैयार होकर जगह जगह पहुंच रहा है। मैं चाहता हूं देश के लोग एकजुट होकर इस आपदा की घड़ी में भी, जहां गुरुद्वारा साहिबानों में संगत दर्शनों के लिए नहीं आ रही, घरों पर है, लेकिन फिर भी लंगर का प्रबंध इसी तरह चल रहा है, सेवा के लिए इन सब के लिए प्रार्थना करो, इन लिए अरदास करो, तुसे सारे मिलके परमात्मा ने सबनों चढ़दी कला बख्शे और इस तरह गुरु घर के इन्ने वड्डे प्रबंध जिहड़े चल रहे हैं ये चलते रहन। ये एक दिन अंदर कितने घंटे हो गए मशीन चलती 800 किलो आटा दसो, दोबारा दसो कि 800 किलो निकल गया है, तो कि आटा क्डना इस नहीं किन्ने किलो बना हो रहा जी कि बनना 50,000 का जरा बहर जाना है। ये सवेरे 6 बजे की सेवादार बेचारे लंगर की मशीन चला के 800 किलो हम आटा कढ़ चुके हैं और मेरा 1,200 किलो आटा खाली ये मशीन कढ़ेगी। सो ये गुरु घर के प्रबंध जोड़े ने यह आप संगत सदके चलते पे ने। आ देखो कितना ताजे ताजे हैं खुले प्रशादे, प्रशादे देखो तुम गुरु साहब की कि रहमत बख्शिशा, देखो ताजे फुले प्रशादे बन बन के ये 50,000 संगत के वास्ते ये रसद इतों अज एक्सट्रा बन के जारी जी हूँ तक जाती से, अलावा 50,000 लोगों को यह नोएडा जा रही आ फीड माई सिटी। उन्होंने साढ़े संपर्क किया कि 50,000 लोगों को, देखो ये बहुत वड्डी साड़ी एक अल्ट्रा आधुनिक मशीन आ जी बिल्कुल तवे तो वधिया प्रशादे बना के दिंदी आ। तो बहुत संगतों का धन्यवाद है, इन्होंने सेवादारा वास्ते अरदास करो चढ़दी कला दी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।